हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छी तरह से काला करेगा जड़ से, और ये नेचुरल है, काफ़ी असरदार है। तो इसके लिए आपने 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लेना है। दोस्तों, कॉफ़ी पाउडर आपके बालों को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही नेचुरल वे से काला करता है, और ये बहुत ही असरदार है। और ये आपने कॉफ़ी पाउडर लेना है 1 टीस्पून यहाँ पे, और इसके बाद आपने लेना है इंडिको पाउडर। ये भी आपके बालों को काला करने के लिए नेचुरल, एक नेचुरल लुक आता है जिससे लगता है कि हाँ कलर नहीं है आपके बाल, और जो मेहंदी से लाल हो जाते हैं बाल उसको भी ये काला कर देता है बहुत ही अच्छी तरह से, और आपके बालों को जो भी इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम है सभी दूर करता है। तो यहाँ पे भी इसको आपने 1 टीस्पून ले लेना है। और हाँ जी, इसको नील पत्ती का पाउडर भी कहा जाता है, क्योंकि आपके बालों के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से ये बालों के ऊपर असर करता है, बालों को ट्रीट करता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट होने के साथ ही साथ इसमें हाई लेवल्स में प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं बालों को काला करने के लिए। और अब आपने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून के अराउंड मेहंदी पाउडर। ये भी आपके बालों को, जब ये इंडिको के साथ आप इसको लगाते हो ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है। तो मेहंदी हमने इसमें डाल दी है, अब एक और हम मेन चीज़ डालेंगे, तो चलिए बताती हूँ क्या है। तो ये है जटामासी का पाउडर। ये भी आपके बालों को काला करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, जड़ से मजबूत करता है, उनको लंबा बनाता है, घना बनाता है। और आप ये गूगल में सर्च कर सकते हो, अगर आपके पास जटामासी की जड़ है तो आप उसको ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर रेडी है। अब हमने इसमें पानी नहीं डालनी है, पानी की जगह हम इसमें डालेंगे आंवला जूस। अगर आंवला जूस नहीं है तो आप कॉफ़ी का, जैसे हमने कॉफ़ी तो डाल दी, आपने चाय पत्ती का पानी डाल देना है। तो यहाँ पर मेरे पास आंवला जूस है, और आप आंवला पाउडर भी इसमें डाल सकते हो। तो ये डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर आप डेली आंवले का सेवन करते हो, आंवले जूस का सेवन करते हो अपनी लाइफ में, तो ये आपके बालों को अच्छी तरह से ट्रीट करता है, आपके हेल्थ को ट्रीट करता है, कोई भी इससे बीमारी नहीं होती, आपके बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। तो आंवले का अचार खाइए या उसका जूस पीजिए, बात एक ही है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, और आजकल तो फ्लेवर्स में भी आंवले का जूस मिलने लगा है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे आंवला आप जूस नहीं पी सकते, काफ़ी गंदा लगता है, तो आपने उसका फ्लेवर्ड वाला आंवला जूस लेना है, आंवले का अचार खाना है, और जंक फूड्स आपने नहीं खाने हैं, हेल्दी चीज़ें खानी है, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, मौसमी फल खाना है, और जिंक अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादातर यूज़ करना है, खाना है। और दोस्तों, तिल का सेवन आपने, काले तिल या सफ़ेद तिल, उनका सेवन ज़्यादा करना है अपने खाने में, दही का सेवन ज़्यादा करना है, जिससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। तो ये देखिए, ये लम्ब फ्री बैटर आपने इसको बनाना है, हल्के फुल्के इसके लम्ब रहते हैं, अभी हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है अभी ही, और आपने इसको तुरंत नहीं लगाना है, आपने इसको 2 से 3 घंटे तक के लिए पहले छोड़ देना है, उसके बाद आपने इसको अपने बालों पर लगाने हैं, क्लीन बाल पर लगाना है, बात का ध्यान रखिएगा, क्लीन बालों पर लगाना है आपने। और उसके बाद आपने नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, 1 घंटे बाद सुखाने के बाद आपने नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। फिर आपने, जैसे मेहंदी लगाते हुए ऑयलिंग करते हो, तो वैसे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऑयलिंग करोगे तो बाल आपके ज़्यादा अच्छी तरह से काले होंगे। और फिर नॉर्मली आपने 2 दिन तक शैम्पू नहीं करना है, 2रे दिन के बाद, जैसे 1 दिन हमने ऑयलिंग कर ली इसको लगाने के बाद, बालों को सुखाने के बाद, नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद, फिर उसके बाद आपने 1 दिन छोड़ के नेक्स्ट डे आपने अपने बालों को शैम्पू से वॉश करना है। और इसको आपने हर हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है, यह आपके बालों को बहुत ही अच्छी तरह से काला बनाता है। और हाँ, आप इसका पाउडर एक ही साथ बना करके स्टोर कर सकते हो, एक बड़े कंटेनर में आप इन सब चीज़ की क्वांटिटी डबल ट्रिपल कर दीजिए जितना आप यूज़ करते हो, उसके बाद आपने इसको स्टोर कर लेना है, जिससे कि आपको बार बार सब चीज़ें डालनी नहीं पड़ेंगी, बस निकालिए, मिक्स करके रख दीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा, सभी पाउडर है। उसके बाद आप आंवला जूस डालिएगा या फिर चाय पत्ती का पानी डालिएगा, उसके बाद यूज़ कीजिएगा।
अगर आपको जल्दी है तो अगर आप नॉर्मल वाटर डालना चाहते हो तो नॉर्मल वाटर डाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा इसका कलर आया है, तो इसको लगाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप आप सबको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो भरभर के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलती हूँ आपसे न्यू अच्छी वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।